आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट टू, उसमें आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर इनका यूज किन शब्दों के साथ होता है, किन वर्ड्स के साथ होता है, किस सिचुएशन में होता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। सिंस और फॉर इनका जो एक यूज है, जनरल यूज है, जो अधिकतर हम लोग क्लास में हम भी ऐसे पढ़े हैं और हमें भी ऐसे पढ़ाया गया और हम भी ऐसे पढ़ाते हैं जनरली, कि सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये पता नहीं कि पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, अंडरस्टूड, इसको डिटेल में समझने की हमें जरूरत है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टर्म। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक समय बिंदु, मतलब जहां से हमारी एक्टिविटी का स्टार्टिंग हुआ, ओरिजिन पॉइंट, अंडरस्टूड, कि किस समय कितने बजे से हमारा काम जो शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ, कौन से इवेंट से शुरू हुआ, अंडरस्टूड, किस दिन से शुरू हुआ, उस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ओरिजिन ऑफ टाइम, जिस दिन हमारा जो है एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हुई, अंडरस्टूड, तब हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि उस काम को करते हुए हमें कितना पीरियड हो गया, कितना जो है हमें ड्यूरेशन हो गया, वो ड्यूरेशन बताता है, अंडरस्टूड। और ये क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्ट कब हुआ, किस समय स्टार्ट हुआ, और फॉर में पीरियड मतलब ड्यूरेशन, कि उस काम को स्टार्ट हुए अब कितना टाइम हो गया, अब तक कितना टाइम हो गया, इट्स क्लियर। और आपको एक अच्छी टेक्निक बता दूं कि आप सिंस से फॉर निकाल सकते हैं और फॉर से आप सिंस निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड, अगर आपके पास सिंस है तो आप फॉर निकाल सकते हैं, और अगर आप फॉर है तो डेफिनेटली आप सिंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ी कोशिश की आपको समझाने की कि सिंस का यूज किन शब्दों के साथ होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम के साथ हमेशा याद रखिएगा सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस थर्सडे, जो भी डेज का नाम है उनके साथ सिंस का यूज होता है। सेकंड यूज इसका ईयर्स, मतलब वर्षों के साथ, जैसे सिंस 2010, सिंस 2012, अंडरस्टूड, जो भी ईयर है उसके साथ सिंस का यूज होता है। थर्ड इसका यूज है क्लॉक, AM एंड PM, जब हम लोग क्लॉक करें जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, तब किसका यूज करेंगे, सिंस का। और AM एंड PM इसके साथ भी हमेशा सिंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस 7 AM, अंडरस्टूड, तब किसका यूज हुआ, सिंस का, क्यों, क्योंकि AM है, AM हो, PM हो या फिर क्लॉक, इन तीनों के साथ किसका यूज करते हैं, सिंस का है। इट्स क्लियर। अब है फेस्टिवल, फेस्टिवल के साथ भी सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस ईद, सिंस होली, सिंस दिवाली, अंडरस्टूड, सिंस क्रिसमस, इन सब के साथ हमें सिंस का यूज करना चाहिए। थर्ड है इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ की उनमें सब में सिंस का यूज होता है, सॉरी, जैसे सिंस मैरिड, सिंस इज मैरिड, सिंस माय मैरिज, अंडरस्टूड, आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस माय मैरिज, अंडरस्टूड, किड्स के लिए, जैसे सिंस इज बर्थडे, सिंस इज डेथ, इन सब के साथ किसका यूज करना है, सिंस का, जो इंपॉर्टेंट इवेंट होती है उसके साथ सिंस का यूज होता है। इसके बाद देखिएगा सीजंस, मौसम, जितने भी मौसम है उन सब के साथ सीजन के साथ सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस रेनी सीजन, अंडरस्टूड, सिंस समर, इन सब के साथ सिंस का यूज होता है। अब यूज नंबर 7, मंथ, जितने भी मंथ है उनके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस मार्च, सिंस जून, सिंस दिसंबर, सिंस जुलाई। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस जुलाई 2020, इट्स क्लियर। तो जितने भी मंथ है उनके साथ सिंस का यूज होता है। अब है लास्ट, लास्ट वर्ड के साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, अंडरस्टूड, सिंस लास्ट मिनट, इन सब के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। अब है यूज नंबर 9, स्टेज ऑफ वन्स लाइफ, किसी व्यक्ति की जो लाइफ की स्टेज होती है उसमें भी हम सिंस का ही यूज करते हैं, सिंस चाइल्डहुड, अंडरस्टूड, फॉर एग्जांपल सिंस चाइल्डहुड। अब है इसका यूज नंबर 10, पार्ट्स ऑफ द डे, जो डे के जो पार्ट्स है, अंडरस्टूड, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये सब इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंस। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अंडरस्टूड, तब आप ये लगेगा कि आप ही बोल सकते हैं, अंडरस्टूड, क्योंकि आप जो सो रहे हैं तो आप तो कैसे बोलोगे सेंटेंस को, ये आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, अंडरस्टूड, ये तो आप ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा बोलेगा क्या करेगा, माई फ्रेंड या मैन हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग,
अंडरस्टूड। तो इन सब वर्ड्स के साथ इन सब सिचुएशन में हम सिंस का यूज करते हैं। फिर से बार रिपीट कर दूं, नेम्स ऑफ द डे ईयर्स क्लॉक एएम पीएम फेस्टिवल इवेंट सीजंस मंथ लास्ट स्टेज ऑफ वंस लाइफ एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन ऑल दैट सिचुएशंस वी यूज सिंस ओनली। ओके, हम कभी भी फोर का यूज नहीं करते। एक बात और बता दूं, सिर्फ ये सब रटने से काम नहीं चलेगा, आप इनको यूज करना है। अंडरस्टूड, मैंने बार बार ये कहा है कि आप जब तक यूज नहीं करोगे लैंग्वेज को तब तक आपको रूल्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। अंडरस्टूड, तो आपको यूज करना है, मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपने सेंटेंस में इनको यूज करो तो ये पक्के याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ फोर, ये फोर का कहाँ यूज होता है। सिंस के बाद में आपको मैं फोर की यूज बता रहा हूँ कि फोर का कहाँ यूज होता है। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, मींस कितने समय से, मींस कितने समय से अवधि, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग। अगर आप हाउ लॉन्ग का जब आप क्वेश्चन करोगे उसका आंसर आएगा, उसमें फोर आएगा। अंडरस्टूड, इट्स क्लियर। अब देखिएगा कि फोर का क्या क्या यूज है। फोर का डेज और आवर्स और ईयर्स मंथ, इन सबके साथ फोर का यूज होता है। सिर्फ क्या हो, डेज ड्यूरेशन नाम नहीं होना चाहिए। अगर नाम है, दिन का नाम है, हमारी समझ को ईयर्स का नाम है, मंथ का नाम है, तो फिर सिंस का यूज होगा। फोर टू डेज, फोर थ्री ईयर्स, फोर थ्री मंथ, फिर वीक, फोर टू वीक, डेकेड, फोर थ्री डेकेड्स, वाई और अ मोमेंट, ये दोनों क्या है, फ्रेजर, और उनके साथ में किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। अब देखिएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, वो दो घंटे से, मतलब कितने समय से, ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग, क्या आंसर आएगा, फॉर टू आवर्स। अगर हाउ लॉन्ग का जो आंसर आएगा उसमें फोर आएगा, कहने का मतलब। और मैं बोलूं व्हेन, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन का मतलब आंसर क्या होगा, सिंस होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, कब से और कितने समय से, दो टाइम समझिए, कब से का मतलब सिंस और कितने समय से, कब से का मतलब सिंस और कितने समय से का मतलब क्या हो जाएगा, फोर। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर टू डेकेड्स, मैं टू डेकेड से वॉकिंग कर रहा हूँ, मतलब कितने समय से, ड्यूरेशन, अंडरस्टूड। लेकिन मैं बोलूँ कि आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 2010, अंडरस्टूड, या फिर 2000, तो फिर क्या आएगा, सिंस क्यों आएगा, सिंस क्यों आएगा 2000 के साथ में, क्योंकि मैंने बताया कि कब से, अंडरस्टूड। और जब 2010 है और आज 2000 है और आज 2020 चला, कितना हो गया, टू डेकेड्स हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सिंस से फोर निकाल सकते हैं और फोर से सिंस निकाल सकते हैं। लेकिन सिंस क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कब से, और फोर का मतलब होता है ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय से। इट्स क्लियर, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल, इसके साथ क्या यूज किया हमने, ए व्हाइल, ए व्हाइल के साथ क्या यूज किया, फोर, और ए मोमेंट इसके साथ क्या यूज करते हैं, फोर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंस और फोर ये बिल्कुल अब क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, क्योंकि इस टेंस में सिर्फ दो ही डिफिकल्टी है, एक तो यूज ऑफ सिंस एंड फोर, और दूसरी जो डिफिकल्टी है वो है स्ट्रक्चर, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन ये थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, समझने की कोशिश किया। नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरी यही सलाह है सभी स्टूडेंट्स को कि आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपसे आपकी राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा, पहले सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और सिंस और फोर का मैंने आपको बता दिया, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फोर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट में आता है। अंडरस्टूड, अब देखिएगा, ही हैज बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, क्या स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड, ये स्ट्रक्चर चलेगा सिंपल सेंटेंस का। अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर थ्री इयर्स, पहले सब्जेक्ट और फिर हैज और हैव, अंडरस्टूड, इसके बाद फिर नॉट और फिर बीन आएगा। याद रखिए यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी है, यहाँ मैं आपको और ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ। दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर थ्री इयर्स, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद फिर हैज और हैव, अंडरस्टूड, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हैज, यहाँ पर हैव और हैव कर दिया, मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, और फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, अंडरस्टूड, थर्ड नंबर पर नॉट आएगा, और फिर फोर्थ नंबर पर बीन चला जाएगा। याद रखिएगा, अंडरस्टूड, मतलब है और बीन दोनों के बीच में नॉट आएगा, नॉट कहेगा कि आप दोनों अलग अलग हो जाओ, मैं आप दोनों के बीच में आऊंगा, अंडरस्टूड, एकदम से मीडिएटर है, इट्स क्लियर। ऐसे बात करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर बना देते हैं, दे हैव बीन नॉट, मतलब हैव बीन को साथ साथ लेते हैं और फिर नॉट उसके बाद ले जाते हैं,
वो एक गलत स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट, फिर हैज और है, उसके बाद फिर नॉट, और फिर फोर्थ नंबर पे बीन, मतलब नॉट के बाद बीन आता है। दूसरे मैं शब्दों में कहूँ तो हैव इन और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट आता है, हैव और बी, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, नॉट आ गया, मतलब बी और है इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है, एक बॉर्डर क्रिएट करता है, वो है नॉट। याद रखिए, क्लियर है। अब है इंटरोगेटिव सेंटर, इंटरोगेटिव सेंटर देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर बी, वही बात है, मतलब है और बी इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो है और बी इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बी, है वी बी कटिंग ग्रास फॉर 2 आवर्स, मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और फिर बी आ रहा है। ऐसे नहीं होता कभी भी, है बीन वी गलत हो जाएगा, हैव बीन साथ साथ नहीं आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में है और बीन और हैज बीन ये साथ साथ नहीं आते हैं, इन दोनों में एक तरह से स्प्लिट क्रिएट करना पड़ता है, इनको दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। इट्स क्लियर। तो फिर से देखिएगा, हैव वी बीन, ऐसे नहीं होता कभी भी, हैव बीन वी ये गलत हो जाएगा। देखिएगा, हैव वी हैव बीन वी, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड क्या होगा, हैव वी बीन, ये स्ट्रक्चर होगा इसका, इट्स क्लियर। अब देखिएगा थोड़े से इसके एक दो स्ट्रक्चर हो रहे हैं उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हाई हैव यू बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock, देखिएगा इस सेंटेंस को, ये जब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, अंडरस्टूड, क्वेश्चन वर्ड आप जानते हो डब्ल्यू एच फैमिली और हाउ, अंडरस्टूड, तो ये सबके सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मींस हैज और हैव, बीन बाद में आएगा, अंडरस्टूड, हैज और हैव और के साथ बीन नहीं आता है। याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन ये दोनों साथ साथ नहीं आते, इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज और हैव, थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा। याद रखिए कैसे हुआ कि बीन और हैज और हैव इन दोनों के बीच में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लेस करेगा। इट्स क्लियर। फिर से रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव, इसके बाद थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस आएंगी। इट्स क्लियर। ये ध्यान रखिएगा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टूड, लेकिन इसको पहले आप समझिएगा कि व्हाई यू हैव बीन शाउटिंग, ये आप दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा। पहला है व्हाई हैव यू बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock और दूसरा सेंटेंस है व्हाई यू हैव बीन शाउटिंग सिंस 10 o'clock, विच इज द करेक्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो है सीक्वेंस है, वर्ड्स का सीक्वेंस है, वो राइट ऑर्डर में है। इट्स क्लियर। देखिएगा कि व्हाई यू हैव बीन शाउटिंग, यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में मैंने क्या रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया और उसके बाद फिर हैज और हैव का यूज किया है। इट्स क्लियर। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर सब्जेक्ट आ गया तो फिर वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं रहेगा, वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पर, हु आर यू, और इसी को आप इस तरह से लिखते हैं, हु यू आर। तो ये दोनों में स्ट्रक्चर में आप देखिए, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पक्का वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो 100% वो सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। और देखिएगा, हाउ आर यू, हाउ यू आर, इट्स क्लियर। तो ये जो सेंटेंस है हाउ आर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी, और हाउ यू आर ये कैसा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। तो आप ऑर्डर को ध्यान दीजिएगा, अंडरस्टूड, कि किस तरह से जो है प्लेसमेंट होता है वर्ड्स का। अब देखिएगा, हैव यू, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, हैव यू नॉट बीन एंजॉयिंग इट सिंस यस्टरडे, याद रखिएगा कि यस्टरडे के साथ भी सिंस आता है,
अंडर तीसरे मैंने लिखा है हैव यू नॉट बीन एंजॉयिंग इट सिंस यस्टरडे। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है और इसमें नॉट भी है, अंडरस्टूड। तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट और फिर बीन। इट्स क्लियर, हैव मींस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर नॉट और फोर्थ नंबर पे बीन आ रहा है और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर फॉलो करते हैं सारे वर्ड, अंडरस्टूड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। फिर आप देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में आप कंपैरिजन कीजिए, एक तो हैव यू नॉट बीन एंजॉयिंग और दूसरा हैवंट यू बीन वाचिंग माय लेसन फॉर 5 वीक्स। आप स्ट्रक्चर देखिएगा, हैवंट यू और यहां पर क्या हैव यू नॉट, याद रखिएगा जब आप कॉन्टेक्ट फॉर्म में लिखते हैं नॉट को, कैसे फॉर्म लिखते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म में यहां पर लिख दे दो, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है नॉट मींस एन एपोस्ट्रोफी टी। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं नॉट को तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, अंडरस्टूड। वो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ साथ चलता है। हैवंट यू मींस सब्जेक्ट है, वो थर्ड नंबर पे चले जाता है। हैवंट यू मैंने आपको बताया था, मैंने जब डिडंट यू, शैंट यू, वांट यू, अंडरस्टूड, डजंट यू, इनके साथ जब आप कंटेंट फॉर्म यूज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपको नोट लगाना पड़ेगा। और अंडरस्टूड यहां पर मैंने फुल फॉर्म में यूज किया नोट को, इसलिए नोट कहां चला गया, थर्ड नंबर पे, मतलब सब्जेक्ट के बाद चला गया। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ कि सब्जेक्ट से पहले नोट आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि मैंने नॉट को एक कॉन्टेक्ट फॉर्म में यूज किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्टेक्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। हैवंट यू बीन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए आप, चेंज हो रहा है। और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, ये रिटन इंग्लिश में आता है, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है कॉन्टेक्ट फॉर्म में। ओके, इट्स क्लियर, हैवंट यू बीन वॉचिंग माई लेसन फॉर 5 वीक्स, इट्स क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर यहाँ पर आता ऐसे होता लास्ट वीक या लास्ट 5 वीक्स तो फिर सिंस आता, अगर आप लास्ट लगा रहे हो तो फिर याद रखिएगा सिंस का यूज होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर वीक से पहले लास्ट नहीं लगाया, इसलिए क्या यूज किया है, फोर, इट्स क्लियर। अब इसका देखिएगा, व्हाई हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस हर रिटायरमेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद फिर क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मीन बी नहीं आएगा, हैज और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बी, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगी लाइक दैट, अंडरस्टूड। तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आएगा, हैज और हैव, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किस तरह का है, उसके हिसाब से अपन को वर्ब लगानी पड़ती हैज और हैव, इट्स क्लियर। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में या तो हैज आएगा या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद फिर नोट आएगा और बीन, नोट के बाद बीन आएगा, अंडरस्टूड, लास्ट में आएगा मीन नॉट के बाद बीन आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब एक यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सिंस हर रिटायरमेंट, अंडरस्टूड, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था जब सिंस और फोर का मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ की, कोई भी इवेंट है उसके साथ हमेशा सिंस का यूज करते हैं, अंडरस्टूड, सिंस हर डेथ, सिंस हर बर्थडे, सिंस हर रिटायरमेंट, इसलिए यहाँ पर इसका यूज हुआ सिंस का, क्योंकि रिटायरमेंट एक मेन इवेंट होती है, एक लाइफ की इवेंट होती है, इसलिए मैंने इसके साथ सिंस का यूज किया, अंडरस्टूड। तो आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने की कोशिश की। और मेरी एक ही सलाह है कि आप दो पे फोकस कीजिएगा, एक तो स्ट्रक्चर क्या है इसका और दूसरा सिंस और फोर और का यूज कैसे होता है। और एक और बात बता दूँ आपको कि सिंस और फोर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये प्रपोजिशंस का काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड, इस याद रखिए कंजक्शन का फॉर्म नहीं है, यहाँ पर कंजक्शन का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर प्रपोजिशंस का काम कर रहे हैं सिंस और फोर, इट्स क्लियर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा, कुछ एक्स्ट्रा सीखा होगा, कुछ एडिशनल सीखा होगा, और डेफिनेटली यू विल एंजॉय माई लेसन इन द डेज टू कम। ओके, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय माई लेसन्स, ओके, इन फ्यूचर ऑल्सो, लाइक एट प्रेजेंट यू आर एंजॉइंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी ताकत है, अंडरस्टूड। आई विल बी मोटिवेटेड इफ यू डेफिनेटली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो डेफिनेटली आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल लाइक माई चैनल, एंड आई विल कम विद न्यू लेसन्स एंड विद अपडेटेड टॉपिक्स, ओके, एंड विद अपडेटेड नॉलेज रिगार्डिंग माई सब्जेक्ट दैट इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो टेक केयर, आपको पता है कि इस समय कोरोना चल रहा है तो मास्क का यूज कीजिएगा प्लीज, और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिएगा। ओके, सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।